हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे यूजीसी एनटीए नेट हिंदी के पाठ्यक्रम के अंतर्गत यूनिट 5 के ऊपर, जिसमें कि हमने इससे पहले प्राचीन और मध्ययुगीन हिंदी कविताओं का अध्ययन कैसे किया जाए उस पर बातचीत कर लिया है। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि आधुनिक हिंदी कविताओं का अध्ययन कैसे करें, जो भी कविताएँ लगी हुई हैं उनमें किन किन पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा उस पर बात करेंगे। और मैं आगे बात करूं इससे पहले ये उम्मीद करता हूं कि जितनी भी चीज़ें आप सभी को इस चैनल पर यूजीसी नेट की परीक्षा के दृष्टिकोण से बताई जाती हैं उसे आप गंभीरता से लेते होंगे। जो पुराने बच्चे हैं और इस चैनल पर विश्वास करते हैं वे तो अपनी तैयारी गंभीरता से करना शुरू कर दिए हैं। जो बच्चे अभी नए जुड़े हुए हैं वो अभी अविश्वास के दौर से गुजर रहे हैं और कमेंट्स इत्यादि करके पूछ रहे हैं कि क्या यूजीसी एनडीए नेट का सिलेबस या कोर्स कंप्लीट होगा या फिर नहीं होगा। तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा आप सभी को, क्योंकि थोड़ा सा आप समय देंगे और जाकर प्लेलिस्ट देखेंगे आप, जो कि मैंने 2023 के नाम से बनाकर रखा हुआ है, तो खुद आपको समझ में आ जाएगा कि करीब हमने 43-44 वीडियो लेक्चर 2023 के दृष्टिकोण से बनाया है। अगर प्रतिदिन आप अगर एक वीडियो लेक्चर भी देखते हैं तो आपके लिए समय कम पड़ जाएगा। और ये सभी ऐसे वीडियो लेक्चर हैं जिसमें कि आपको टू द पॉइंट बात की गई है, ये नहीं कि उसमें अलग तरीके का कोई प्रचार है या फिर कुछ है, टू द पॉइंट बात की गई है। आप देखेंगे तो खुद आपको महसूस होगा कि कम समय में आप कैसे पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हैं। तो हमने जानबूझकर सिलेबस पर ज़्यादा चर्चा करना शुरू किया है, क्योंकि जिस दिन आप सिलेबस समझ जाएंगे उस दिन आपकी तैयारी लगभग 50% प्लस कंप्लीट हो जाएगी। तो इसी कारण हम अभी सिलेबस पर बातचीत कर रहे हैं और उससे संबंधित आपको लिंक्स, नोट्स इत्यादि भी बताएंगे। तो चलते हैं, हम बात करते हैं कि यूनिट 5 में आधुनिक हिंदी कविता का अध्ययन जो हमें करना है उसमें कौन कौन सी कविताएं लगी हुई हैं। आप देख रहे हैं कि जो पहले कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम, इनकी रचना लगी है प्रिय प्रवास। तो यहाँ पर एकदम से क्लियर है कि प्रिय प्रवास में जो 17 सर्ग, 17 सर्गों को भी आपको पढ़ना है। यहाँ पर कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि कौन सर्ग पढ़ना है कौन सर्ग नहीं पढ़ना। मुख्य रूप से लिख दिया गया कि प्रिय प्रवास यानी कि कंप्लीट पुस्तक आपको पढ़नी है। अब इसमें प्रकाशन वर्ष से संबंधित प्रश्न आ सकते हैं, विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न आ सकते हैं, पात्रों से संबंधित प्रश्न आ सकते हैं और जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं उनसे रिलेटेड भी यहाँ पर प्रश्न आ सकते हैं। तो इसके लिए हमने पिछली बार जब तैयारी करानी शुरू की थी तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स बनाया था और वो उस नोट्स का लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे बात करते हैं, जो कवि हैं उनका नाम है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त की 2 रचनाएं आपको पढ़नी है, भारत भारती और साकेत। साकेत में यहाँ पर पूरा इंडिकेशन किया गया है कि नवम सर्ग पढ़ना है और नवम सर्ग अगर आप सीरियसली ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किए होंगे तो आपके किसी न किसी पाठ्यक्रम में ये नवम सर्ग पढ़ना रहा। तो एक तरीके से ये भी आपके लिए नया, यहाँ पर नई रचना नहीं लगी हुई है बल्कि आप पढ़ चुके हैं, बस आपको रिवीजन करना है और परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको थोड़ा सा अध्ययन करना है, बाकी आपका बहुत तेजी से कंप्लीट होगा। भारत भारती आपको कंप्लीट पढ़ना है, तो ठीक वैसे जैसे प्री प्रवास को कंप्लीट पढ़ना है वैसे ही भारत भारती को कंप्लीट पढ़ना है। इसका प्रकाशन वर्ष देखना है, इसकी विषय वस्तु देखना है और जो भी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं उनको आप तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए भी हमने पिछली बार नोट्स बनवाया था और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब जब मैं बार बार बोल रहा हूँ कि लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा तो इसका मतलब नहीं है कि आप वीडियो को छोड़कर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, क्योंकि आगे अभी बहुत ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मैं बातचीत करूंगा जिससे कि आपको लगेगा कि आधुनिक हिंदी कविता बहुत ही आसानी से आप तैयार कर लिए हैं केवल सिलेबस को देखते देखते ही। पहले तो आप यहाँ पर देख लिए कि प्रिय प्रवास जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का, इनका पूरा नाम आपको ठीक से देखना है, हरिऔध
पूरा नाम क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय। कई बार शीर्षक में टाइटल में इधर उधर हो जाता है, ठीक है, तो आपको ख्याल रखना है। मैथिली शरण गुप्त की दो रचनाएं आपको पढ़नी, भारत भारती और साकेत। साकेत वैसे तो कुल 12 सर्गों में है, लेकिन आपको मुख्य तौर पर नवम सर्ग पढ़ना है, और इसका कारण है उर्मिला का विरह वर्णन, ठीक है। इसी को बताने के लिए आपको नवम सर्ग का अध्ययन करना है। आगे बात करें तो जयशंकर प्रसाद की रचना आंसू और कामायनी, यानी कि दो रचनाएं जयशंकर प्रसाद की भी पढ़नी है। आंसू पढ़ना है, कंप्लीट पढ़ना है पूरा, तो ठीक वैसे ही आपको तैयार करना है जैसे पीछे मैंने बताया, प्रकाशन वर्ष, विषय वस्तु और जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। जो भी आप पुस्तक यूजीसी नेट को आधार बनाकर खरीदे होंगे तो उसमें कुछ खास खास पंक्तियों को ही दिया गया, पूरा टेक्स्ट आपको नहीं दिया गया होगा, ठीक है। तो अगर आपको समय मिले तो टेक्स्ट जरूर पढ़िए, क्योंकि जब आप टेक्स्ट पढ़कर जाएंगे तो अलग कॉन्फिडेंस आपके नजर में रहेगा। अगर टेक्स्ट नहीं पढ़ेंगे और नोट्स पढ़कर जाएंगे तो थोड़ा सा लगेगा कि हमने कुछ छोड़ा है। तो हमारा जो काम है आपको गाइडेंस करना, तो संकेतों को आप समझिए, समय मिले तो जरूर टेक्स्ट पढ़िए, और बाकी जो हम यहाँ से कर सकते हैं वो तो परीक्षा के पहले तक करते रहेंगे। आंसू को पूरा पढ़ना है। कामायनी आप देख रहे हैं कि कुल 15 सर्गों में है, ठीक है, उसमें से मात्र 3 सर्ग आपको पढ़ने हैं, श्रद्धा, लज्जा और ईड़ा, इन तीनों सर्गों को पढ़ना है। मतलब कि आपके ध्यान में 15 सर्ग होने चाहिए, लेकिन मुख्य रूप से इन तीनों सर्गों के बारे में, इनकी विषय वस्तु के बारे में, इनसे रिलेटेड जो प्रमुख पंक्तियां हैं उन पंक्तियों की जानकारी आपको होनी चाहिए कि कौन सी पंक्ति कहाँ से उठाई गई है और इन तीनों महत्वपूर्ण सर्गों में की विषय वस्तु क्या है। तब मानकर चलिए कि आपकी पढ़ाई और तैयारी सही दिशा में चल रही है। हमने आपकी पिछली बार तैयारी के दौरान एक संकलन तैयार किया था, कवि कविता, कविता संग्रह और प्रकाशन वर्ग, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो लेक्चर है और इसको जरूर आप जाकर समय निकाल कर देखिए। इसका भी मैं लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। विशेष तौर पर जयशंकर प्रसाद को पढ़ते हुए उनकी दो रचनाओं को आपको ध्यान रखना है, आंसू और कामायनी के 15 सर्गों में से 3 सर्गों पर विशेष रूप से ध्यान देना है, श्रद्धा लज्जा ईड़ा। इसको पढ़ते समय यह भी ध्यान रखना है कि श्रद्धा किस सर्ग में है, लज्जा किस सर्ग के नंबर पर है और ईड़ा किस सर्ग के नंबर पर है, ठीक है। तो मानकर चलिए कि आपकी तैयारी ठीक चल रही है। इसी में अगले कवि हैं निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और आप देख रहे हैं कि निराला की कई कविताएं आपको पढ़नी है, और वो ऐसी कविताएं हैं कि जो किसी न किसी रूप में हिंदी कविता के इतिहास में अपना टर्निंग पॉइंट्स रखती हैं, महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, जिसमें जूही की कली, जागो फिर एक बार, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकुर मुत्ता, बाधो ननाव इष्ठाव बंधु। और जिस कवि कविता संग्रह प्रकाशन वर्ष वाली वीडियोज की मैं बात कर रहा हूँ उसका एक छोटा सा नमूना आप सभी के सामने यहाँ प्रस्तुत है कि उस वीडियो को जब आप देखेंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा, कविता संग्रह प्रकाशन वर्ष और विशेष, ये 4 फैक्ट्स आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे। जैसे जूही की कली, जैसे ही बात होगी तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि इसका संकलन किस काव्य संग्रह में हुआ है, किस सन में हुआ है और इस कविता का प्रकाशन वर्ष कब रहा है। और ये ऐसी कविता रही है जिसको कि सरस्वती पत्रिका से वापस कर दिया गया था, उस समय संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये सारी घटनाएं आप जान रहे हो। बाद में आगे चलकर जूही की कली नामक कविता का संकलन मतवाला में हुआ, यानी कि प्रकाशन मतवाला पत्रिका में हुआ, तो मतवाला के संपादक निराला भी रहे हैं, उसके संपादक मंडल में इनका भी संबंध रहा। जागो फिर एक बार देख रहे हैं कि ये परिमल काव्य संग्रह में संकलित है 1929 में, और सरस कविताओं का संग्रह है। इसी तरीके से सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा दोनों का संकलन अनामिका नामक काव्य संग्रह में हुआ है, और क्रमशः इनका प्रकाशन वर्ष 1935 और 36 है। सरोज स्मृति शोक गीत के तौर पर जानी जाती है, जबकि राम की शक्ति पूजा कृतवास रामायण पर आधारित है।
बहुत बार ये सवाल पूछा गया है और इसमें कुल 312 पंक्तियां हैं और इसकी जो शैली रही है संस्कृत निष्ठ शब्दों का काफी प्रयोग किया गया है। इन टेक्स्ट बुक्स पर मैं बाद में अलग से भी विचार करूंगा क्योंकि अब जितने भी वन लाइनर आपको मैटर देने चाहिए थे हमने दे दिया है। अब सीधे सीधे टेक्स्ट बुक को मैं उठाऊंगा, जो भी कविताएं लगी हुई हैं उन कविताओं पर व्याख्या सहित बातचीत होगी ताकि आपकी तैयारी और गंभीरता से पूरी हो सके। ठीक है, तो मेरी बातों को आप समझ रहे होंगे, इस वीडियो लेक्चर को देखेंगे तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिर भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि यूजीसी नेट के सिलेबस में निराला की कौन कौन सी कविताएं लगी हैं, क्योंकि जब तक आप चिंतन मनन नहीं करेंगे तब तक न प्रकाशन वर्ष ठीक से याद होगा, न काव्य संग्रह ठीक से याद होगा और न उस कविता की विषय वस्तु ही ठीक से याद होगी। और परीक्षा के दौरान इसी टाइप से सवाल पूछे जाएंगे, भले क्वेश्चंस लंबे फॉर्मेट में हो या फिर छोटे फॉर्मेट में, क्वेश्चन तो सिलेबस के अंदर से ही पूछे जाएंगे, इसीलिए मैं बार बार सिलेबस पर जोर देता हूँ। आगे बात करते हैं सुमित्रा नंदन पंत के ऊपर। सुमित्रा नंदन पंत की तीन कविताएं आपके सिलेबस में लगी हुई हैं, परिवर्तन, प्रथम रश्मि, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र। जब आप यूजीसी नेट का सिलेबस देखेंगे तो उसमें द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र महादेवी वर्मा के संदर्भ में लगाया गया है, जो कि एक तरीके से उस सिलेबस में खामी त्रुटि मानकर देखा जा सकता है। ये तीनों कविताएं जो हैं सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखी गई। परिवर्तन कविता भी आप किसी न किसी कक्षा में जरूर पढ़े होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है। और परिवर्तन कविता का संकलन किस काव्य संग्रह में हुआ है सुमित्रा नंदन पंत के, यहाँ पर देखिए इस वीडियो लेक्चर में आपको मिल जाएगा। पल्लव में हुआ है 1924 ईस्वी में। इसी तरीके से प्रथम रश्मि का संकलन किस कविता संग्रह में है, तो मीरा में, ठीक है, 1919 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। तो आप देख रहे हैं कि जब आप इन कविताओं को गंभीरता से देखेंगे और कविता कवि कवि कविता संग्रह प्रकाशन वर्ष और विषय वस्तु पर ध्यान रखेंगे तो स्वतः आपकी तैयारी अच्छी दिशा में जाएगी, आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इन तीनों कविताओं को आपको ध्यान में रखना है। अगर ये वीडियो ये लेक्चर आप नहीं देखते ठीक से तो आप महादेवी वर्मा की कविता इसको मानकर चल सकते थे, हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने सुधार भी किया, ठीक है ना। तो आप लोग के पास अगर सिलेबस हो तो जरूर जाकर वहां पर सुधार कीजिए कि द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र ये सुमित्रा नंदन पंत की कविता, और कई बार तो ये कविता सीधे सीधे प्रश्न के तौर पर भी आ चुकी है परीक्षाओं। महादेवी वर्मा की कविताओं के बारे में बात करें तो इनकी भी कई कविताएं लगी हैं, जिसमें बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागनी भी हूं। कई बार तो यही सीधे सीधे कविता यही लाइन उठा ली जाती है, पूछ लिया जाता है कि इसकी पंक्ति है या फिर इस कविता के लेखक कौन है या कवि कौन है, ठीक है, इस तरीके से भी सवाल आ जाता है। मैं नीर भरी दुख की बदरी, ये भी आप किसी न किसी कक्षा में जरूर पढ़े होंगे, बहुत फेमस ये कविता रही है। तो मैं बार बार आपको पिछली कक्षाओं की याद इसलिए दिला रहा हूं कि जो भी पीछे आपने पढ़ाई की थी वो कोई फालतू पढ़ाई नहीं की थी, उसी को आगे चलकर आपको इम्प्लीमेंट करना है, उसी को ठीक से समझकर परीक्षा में जाना है। अगली कविता है फिर विकल है प्राण मेरे, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो। तो ये चार कविताएं माधवी वर्मा की आपके सिलेबस में लगी हुई हैं और ये चारों कविताएं किस किस काव्य संग्रह में है इसका ब्यौरा पूरा यहाँ पर आप देख रहे हैं जिस वीडियो की चर्चा में, या उसमें जाकर पूरा देख सकते हैं। और बिना समय गवाए आपको बहुत सारा मैटर वहां पर मिलेगा, बहुत सारे फैक्ट्स मिलेंगे, आपको लगेगा कि नहीं मैं सही दिशा में तैयारी कर रहा हूँ, तो जाकर देखिए, निश्चित तौर पर आपको बहुत लाभ मिलेगा और परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, भटकने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि भले मैं प्रचार प्रसार में पीछे रह जाऊंगा तकनीकी तौर पर लेकिन कंटेंट आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं ये हमारे काम का है। गंभीरता से मैं कंटेंट को बनाता हूँ और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि मुझसे जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं वो गंभीरता से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे विद्यार्थी नहीं कि वो कभी आए कमेंट कर कर चले गए फिर घूम घाम रहे हैं इधर उधर और बाद में जब एक सप्ताह बच रहा है तो परेशान हो रहे हैं कि तैयारी उनकी कंप्लीट नहीं हुई। बहुत सारे विद्यार्थी हो सकता है कि गंभीरता से नोट्स बना रहे होंगे
और अच्छी दिशा में उनकी तैयारी चल रही होगी। आगे बात करते हैं अगले जो कवि हैं वो है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की दो रचनाओं को पढ़ना है, उर्वशी जिसका कि तीसरा अंक पढ़ना है, ठीक है, उर्वशी का तीसरा अंक ही इंपॉर्टेंट है, इसी अंक को पढ़ना है, यानी कि इसके प्रकाशन वर्ष के साथ साथ तृतीय अंक के जो भी महत्वपूर्ण कथन है, महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, उनको ध्यान में रखना है और विषय वस्तु को बिल्कुल ध्यान में रखना है, ठीक है। अगली रचना है रश्मि रथी। तो इन रश्मि रथी में देखिए पूरा पढ़ना है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बताया गया कि कौन सा अंश पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है, यानी कि रश्मि रथी को पूरा पढ़ना है, ठीक है, और उर्वशी में तीसरा अंक महत्वपूर्ण है। अगले कवि है नागार्जुन। नागार्जुन की कई कविताएं आप देख रहे हैं, कालिदास बादल को गिरते देखा है, अकाल और उसके बाद, खुरदरे पैर, शासन की बंदूक, मनुष्य हूं, ये सारी कविताएं लगी हुई हैं, जिसमें आपने किसी न किसी कक्षा में बादल को घिरते देखा है, अकाल और उसके बाद, जरूर इन दोनों कविताओं को पढ़ा, खासतौर से अकाल और उसके बाद बहुत ही फेमस कविता रही है नागार्जुन की, चार चार लाइन की आठ पंक्तियां हैं, ठीक है, आठ पंक्तियां चार चार लाइन की दो बंधों में है, तो इस कविता को जरूर आप पढ़ेंगे, और दो दृश्यों के बारे में बताया गया है, एक अकाल और फिर अकाल के बाद की जो स्थिति रही है। अब आप देख रहे हैं साइड में कि जो भी कविताएं लगी हुई हैं वो कविताएं किन किन काव्य संग्रहों में संकलित हैं, प्रकाशन वर्ष क्या रहा है और विशेष क्या है, इसको यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया। ये सब जो आप बगल में स्लाइड देख रहे हैं, ये कम समय में कैसे इकाई पांच को हम कवर कर सकते हैं उसको ध्यान में रखकर बनाया गया था, इसलिए सिलेबस पर चर्चा करते हुए मैंने सोचा कि यहाँ पर इसको जोड़ देता हूँ, ताकि आप लिंक्स पर जाकर पूरा कंप्लीट देखें और खुद का नोट्स बनाएं, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, अपना नोट्स बनाएंगे उससे आपका आत्मीय लगाव रहेगा और परीक्षा में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। अगले कवि के बारे में बात करें तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की कुछ कविताओं को पढ़ना है, ठीक है, जिसमें कि कलगी बाजरे की, यह दीप अकेला, हरी घास पर क्षण भर, असाध्य बीड़ा, कितनी नावों में कितनी बार, ये सभी कविताएं अज्ञेय की हैं, जिसमें कि आपने असाध्य बीड़ा जरूर पढ़ा होगा, क्योंकि ये भी किसी न किसी रूप में महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के सिलेबस में ये कविता रहती है। इसके अतिरिक्त कलगी बाजरे की कविता, यह दीप अकेला, हरी घास पर क्षण भर, ये भी इंपॉर्टेंट कविता रही है, ठीक है, कितनी नावों में कितनी बार पर तो पुरस्कार ही दिया गया है। आप इधर देख रहे हैं जो स्लाइड बनाया हूं मैं, कि जो भी कविताएं दी गई हैं वो किस काव्य संग्रह में है, इनका प्रकाशन वर्ष क्या है, और जो खास और तथ्य रहे हैं उन तथ्यों को भी यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है। तो विस्तार से इस वीडियो को जरूर आप लोग देखिए, बहुत फायदा आपको मिलेगा। अगले कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र की दो कविताओं को आपको पढ़ना है, गीत फरोश और सतपुड़ा के जंगल, और ये दोनों जो कविताएं हैं वो गीत फरोश में संकलित की गई हैं, ठीक है, तो जाकर इसको भी, वीडियो लेक्चर में है इसमें, यहाँ पर मैं स्लाइड नहीं लगा पाया हूँ लेकिन इसी में है ये भी, ठीक है। अगले कवि हैं मुक्तिबोध। मुक्तिबोध की तीन कविताओं को आपको पढ़ना है, भूल गलती, ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में, और ये तीनों कविताएं एक से एक हैं, खासतौर से अंधेरे में कविता के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा, ये भी हमेशा किसी न किसी पाठ्यक्रम में लगी रहती है, चाहे वो ग्रेजुएशन का हो पोस्ट ग्रेजुएशन का हो, जरूर आपने पढ़ा होगा, इसलिए मैं बार बार फिर से बोल रहा हूँ कि पीछे ले जा रहा हूँ आपका मनोबल बढ़ाने के लिए। कई विद्यार्थी हैं जो कि हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं कि बहुत कम समय है कैसे हो पाए, तो ऐसा नहीं है कि आप पहली बार नेट की परीक्षा की तैयारी करने के साथ ही हिंदी पढ़ रहे हैं, आपने जो पीछे पढ़ा है वो भी आपके काम में आएगा, इसलिए ध्यान रखना है। भूल गलती, ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में, अब ये जो कविताएं हैं ये किस संग्रह में संकलित हैं, इनका प्रकाशन वर्ष क्या रहा है, और जो भी विशेष जानकारी इससे संबंधित है उसका विवरण यहाँ पर दिया गया है इस वीडियो लेक्चर में। तो देख रहे हैं कि ब्रह्म राक्षस, भूल गलती, अंधेरे में, सभी चांद का मुंह टेढ़ा है में संकलित हैं, तो इस लेक्चर के माध्यम से आपको पता चल गया, क्योंकि परीक्षा में कई बार सुनी सुनाई चीजें ज्यादा काम में आती हैं। अब आपको बिल्कुल याद नहीं करना है कि मुक्तिबोध की जो तीनों कविताएं आपके सिलेबस में लगी हैं वो चांद का मुंह टेढ़ा में संकलित है, बस आपको याद हो गया, बोध किताब पढ़ने की जरूरत ही नहीं। अब कब कब है, क्रमशः 1957, 1964,
दो ही वर्ष याद करना है, 1957 में ब्रह्म राक्षस और 64 में भूल गलती अंधेरे में, दोनों एक ही वर्ष में प्रकाशित हुई थी। अंधेरे में का पुराना नाम था आशंका के दीप अंधेरे में, ये कई बार पूछा जाता है, और कल्पना पत्रिका से संबंध था मुक्ति बोध का, तो ये भी इनकी कविताएं कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। शुरू में एक कविता इनकी कवि में हुई थी। तो इसी तरीके से जब आप तथ्यात्मक चीजों को अपने ध्यान में रखेंगे सिलेबस को पढ़ते हुए, और जब भी आप सिलेबस देखिए जो आपके पास प्रिंट आउट रखा हुआ है वहां पर भी जाकर नोट कर लीजिए, और सोने से पहले एक बार जरूर सिलेबस को देखिए। जब सिलेबस आप देखेंगे और जो भी पॉइंट आपको कठिन लगेगा वहां पर आपका एक बार दिमाग रुकेगा, तो समझ जाए कि उस पर अभी मेहनत करने की जरूरत है। अगर आपको बहुत राहत अच्छा लग रहा है कि ये मैं तैयार कर लूंगा, तो फिर उसको खाली रिवीजन करते, ठीक है। आपके सिलेबस में आखिरी जो कवि लगे हैं आधुनिक हिंदी कविता के अंतर्गत वो हैं धूमिल। धूमिल की कुल चार कविताओं को पढ़ना है, नक्सलबाड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन, रोटी और संसद। तो ये चारों कविताएं किस किस काव्य संग्रह में संकलित हैं उसका पूरा विवरण यहाँ पर दिया गया है। ऊपर की जो तीन कविताएं हैं वो संसद से सड़क में संकलित हैं, और जो चौथी कविता है रोटी और संसद कल सुनना मुझे में संकलित है, और प्रकाशन वर्ष दो याद करना है। जो ऊपर की तीन कविताएं हैं वो 1972 में प्रकाशित हुई, और जो आखिरी कविता है रोटी और संसद 1977। बस आपका तैयार हो गया, क्योंकि आप देखेंगे कि आधुनिक काल की जो कविताएं हैं उन पर जो प्रश्न बनते हैं वो ज्यादातर काव्य संग्रह और प्रकाशन वर्ष को ध्यान में रखकर बनते हैं। पंक्तियां अपेक्षाकृत कम पूछी जाती हैं, लेकिन बदलते हुए पैटर्न में पूछी जा सकती हैं, इसलिए आने वाले दिनों में हम इन सभी कविताओं, मैंने देखा कि कुल 12 आधुनिक कवियों को आपको पढ़ना है और इसमें लगभग 40 कविताएं हैं, तो 12 कवियों को पढ़ना है, उनके बारे में पढ़ना है, ठीक है, जो व्यक्तिगत रूप से पढ़ना है कि इनकी क्या उपलब्धियां रही हैं, कब जन्म हुआ, कितनी पत्रिकाएं प्रकाशित किए, क्या किए, ये सब, कितने काव्य संग्रह हैं, और जो यहाँ पर कविताएं लगी हैं 40 जिसके बारे में हमने बातचीत कर लिया है, आप गिनेंगे तो 40 हो सकती हैं। इन 40ों कविताओं को कम से कम एक नज़र तो देखना चाहिए, और उसमें जो इम्पोर्टेंट कविताएं, कई बार कविताओं की पंक्तियां पता चल जाती हैं कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकती है, तो मैं चाहूंगा कि उन पर बातचीत करूं, उनकी व्याख्या करूं, और जो भी परीक्षा के प्रश्न पत्रों में हमने पिछली बार देखा है उसको भी आपको इंडिकेट करूंगा कि कहाँ ध्यान रखना है। तो उम्मीद है कि मेरी बातों को आप समझ गए होंगे और लगातार इसको ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करेंगे, तो निश्चित तौर पर UGC नेट 2023 में आप सफल हो जाएंगे, क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए और हम आगे आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से लगातार बातचीत करते रहेंगे। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।